हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका छोटी मोटी स्टोरीज पे, छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक देख रहे हो आप गिव एंड टेक। ठीक है, सो इसी के बारे में, गिव एंड टेक मतलब देना और लेना। ठीक है, तो क्या देना और क्या लेना। ठीक है, सो ये देखेंगे हम इसमें। तो पहले देखते हैं कि भाई एक गांव था, है ना, वहां पे एक सांप निकल गया। अब गांव में सांप निकलना तो आम बात है, ठीक है, और जनरली अब ऐसे जीव निकलते हैं तो आप क्या करते हो, या तो भागते हो, है ना, भीड़ में हो तो, या फिर मारने लगते हैं। ठीक है, उसको मारना चाहते हैं। ठीक है, सो गांव वाले भी अब मिलके सांप को मारने की कोशिश करने लगे। ठीक है, तभी वहां से एक संत गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भाई गांव वाले मार रहे हैं सांप को, तो उन्होंने रोका कि भाई आप क्यों मार रहे हो इसको। तो उनमें से एक आदमी बोला कि भाई ये काट देगा इसलिए मार रहे हैं, है ना, सांप का तो कर्म है काटना, बोला। तो वो उन्होंने समझाया संत ने कि ये काटेगा तभी जब आप इसको मारोगे, है ना, आप उसको कुछ नहीं करोगे तो वो भी आपको कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर अब वो लोग मानते थे संत को इतना, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और सांप भी अपना जंगल की तरफ चला गया। ठीक है, अब भाई अगले दिन सुबह हुई, है ना, अगले दिन तो संत लोग जल्दी नहाते हैं, है ना, तो वो 3-4 बजे 2-3 बजे नहाने चले गए। ठीक है, अंधेरा था काफी, तो चले गए, है ना, तो रास्ते में उनको सांप दिखा, है ना, वो जहां घाट जा रहे थे नहाने, पहले तो नदी में जाते थे लोग नहाने, तो वहीं जा रहे थे, तो घाट के सामने उनको पास, मतलब पहले ही सांप दिख गया उनको, ऐसे फन फैलाए बैठा हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने पहले, भाई सुबह ही सीख दी थी उन्होंने अभी पिछले दिन ही कि मारना नहीं है, तो उनको भी और पता था कि नहीं भाई नहीं मारना है ना, बचाना है। तो बोले ठीक है, अब ये रास्ता नहीं बदल रहा है तो मैं ही रास्ता बदल के दूसरे घाट चला जाता हूं। ठीक है, मेरा क्या नुकसान, थोड़ा ज्यादा चलना पड़ेगा, चलता है। ठीक है, तो वो दूसरे घाट चले गए नहाने। ठीक है, फिर नहा वहा के आए, तो फिर पूजा वूजा कर रहे थे, तभी थोड़ा उजेला होने लगा, है ना, तो फिर सांप भी चला गया, सांप भी चला गया, फिर उजेला हो गया, तो वहीं पे एक मंदिर था, तो वो वापस से उसी रास्ते पे आए मंदिर जाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। ठीक है, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, और रात को उनको वो गड्ढा नहीं दिखता, तो अगर वो उस रास्ते से जाते तो वो उस गड्ढे में गिर जाते और फिर उनके साथ कुछ भी हो सकता था, तो मतलब सांप ने उनकी जान बचा ली। ठीक है, क्योंकि पिछले दिन उन सांप को, है ना, सांप को उन्होंने बचाया था बाकी लोगों से, है ना, इसलिए सांप ने उनकी जान बचा ली, मतलब गिव एंड टेक हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे ही जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। ठीक है, तो कभी ये मत सोचना कि ये काम करने से मेरा नुकसान होगा, मेरा समय चला जाएगा। अगर किसी का भला करने के लिए आपका 10-15 मिनट लग भी रहा है तो आप बिल्कुल लगाना, है ना, वहां पे आप ये मत सोचना कि अगर भाई किसी के अच्छे के लिए कर रहे हो तो आपका भी अच्छा होगा आगे जाके। ठीक है, सो हमेशा जब भी, कई बच्चे क्या होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट उनको आ जाता है तो दोस्तों को नहीं बताते। ठीक है, कई थे हमारे साथ, जैसे वो पढ़ने में अच्छे थे तो दूसरों को नहीं बताते थे, तो हेल्प करना चाहिए, नॉलेज बढ़ेगा जब आप उसको कुछ बताओगे ना, तो आप भी 2-4 चीजें उससे नई सीखोगे, वो भी आपसे कुछ डाउट पूछेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार, अच्छा इसमें ये डेप्थ भी, हम ये ऐसा भी सोच सकते थे, इसको ऐसा भी कर सकते थे, तो नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ता है। तो कभी ये सोच के नहीं कि ये मेरा कॉम्पिटिशन है, मैं इसको नहीं बताता या मैं इसको नोट्स नहीं देता। ठीक है, उसकी मदद करो, भगवान आपकी भी मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टोरी के साथ। ओके, बाय।